नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज सुबह। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश की सियासत से जुड़ी हुई आई है। अखिलेश यादव और मायावती कल लोकसभा चुनाव के लिए बड़ा ऐलान करेंगे। माना जा रहा है कि दोनों नेता कल अपने चुनावी गठबंधन को लेकर बड़ी घोषणा करेंगे, जिसमें सीट शेयरिंग की तस्वीर साफ हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक इस बात की भी उम्मीद जताई जा रही है कि अखिलेश और मायावती कांग्रेस को गठबंधन से बाहर रहने का ऐलान भी कर सकते हैं। तो कल 12 बजे लखनऊ के ताज होटल में आपको बता दें प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसमें मीडिया को भी बुलाया गया है लेकिन कांग्रेस को इसमें नहीं बुलाया गया है। और ये एक बड़ी वजह है जिसे माना जा रहा है कि शायद इस गठबंधन में कांग्रेस शामिल नहीं होगी। आरएलडी को लेकर अभी तक तस्वीर साफ नहीं हुई है, क्योंकि आरएलडी की मांग थी 5 सीटों की। इसमें ये कहा जा रहा है कि दोनों ही बीएसपी और एसपी आरएलडी को 3 सीट देना चाहते हैं। अब इसको लेकर कितनी सहमति बनी है, नहीं बनी है, आरएलडी क्या चाह रही है, ये सब कुछ कल साफ हो जाएगा। तो पहली बार ऐसा हो रहा है उत्तर प्रदेश की सियासत में कि दो दिग्गज और ध्रुव विरोधी नेता एक साथ आएंगे। कुमार अभिषेक हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ लखनऊ से। अभिषेक, ऐसा पहली बार होगा कि उत्तर प्रदेश की सियासत में जो दो दिग्गज नेता रहे हैं वो एक साथ आ रहे हैं और बड़ा गठबंधन, देखना होगा कल क्या ऐलान होता है। बिल्कुल श्वेता, ये 1993 के बाद पहली बार होगा जब सपा और बसपा के जो शीर्ष नेता हैं वो एक साथ मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। 1993 में जब ये गठबंधन बना था तब कांचीराम और मुलायम सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, वो लोग सामने आए थे। और 1993 के बाद 2018 में कल 12 बजे दिन में लखनऊ के का जो ताज होटल है वहाँ पर ये बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है 12 बजे। साफ है गठबंधन का औपचारिक ऐलान इसमें हो सकता है। ये भी तय है कि कांग्रेस इस गठबंधन में अभी तक नहीं है और कल भी कांग्रेस का कोई नुमाइंदा वहाँ नहीं होगा। आरएलडी जरूर इस गठबंधन का हिस्सा है लेकिन आरएलडी की तरफ से अभी किसी नेता का पार्टिसिपेशन इसमें सामने नहीं आया है। इस पूरे गठबंधन का क्या स्वरूप होगा इस पर कल कुछ ऐलान हो सकता है। जहां तक हमारी जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक फिलहाल इस गठबंधन के औपचारिक ऐलान की घोषणा हो सकती है। इसके अलावा सीटों का क्या होगा, कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा, इसमें हो सकता है कि थोड़ा वक्त लगे। हालांकि कई लोगों का मानना है कि इसका हिंट भी कल इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया जा सकता है। लेकिन समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और आरएलडी का गठबंधन है, कांग्रेस उस गठबंधन से आउट है, ये तमाम चीजें कल जरूर सामने आएंगी। इसके अलावा दो बातें और इसमें हो सकती हैं। एक, जिस तरीके से सीबीआई के छापे पड़े और जिस तरीके से अखिलेश यादव पर सवाल उठाने की कोशिश हुई है, इस पर भी मायावती और अखिलेश यादव बोल सकते हैं। आपको याद होगा कि मायावती ने खुद फोन करके अखिलेश यादव को कहा था कि ऐसी चीजों से ना घबराएं। साथ साथ जिस तरीके से सीबीआई डायरेक्टर को फिर से हटाया गया है, इन बातों पर भी इस जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात रखी जा सकती है। आशुतोष भी हमारे साथ प्रयागराज से जुड़ रहे हैं। आशुतोष, ये जो गठबंधन हो रहा है, हालांकि इसमें कांग्रेस अब तक शामिल नहीं है और जैसे संकेत मिल रहे हैं शायद शामिल भी ना हो, लेकिन क्या बीजेपी की पेशानी पर बल पड़ेंगे इस गठबंधन से? दरअसल बीजेपी की मुश्किल यही सबसे ज्यादा थी कि अगर 93 का फॉर्मूला एक बार फिर आता है तो हमें याद है कि उस समय स्कूल के दौरान जो नारे सुनते थे कि एक साथ हुए काशीराम और मुलायम और उसके बाद, तो वो मुश्किलें बीजेपी की अभी भी हैं कि अगर यहां पर होते हैं तो वो रिजल्ट दिखेगा जो कैराना में, फूलपुर में और गोरखपुर में देखा था कि जातीय जो समीकरण थे वो सपा बसपा के एक साथ आने पर बीजेपी के खिलाफ जाते हैं और वही सबसे बड़ी मुश्किल है। और ऐसी सीटों में हमने एक चीज और भी देखी, अगर श्वेता आपको याद हो, कि दोनों ही नेता चाहे मायावती हों या समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव हों, लगातार ये कहते रहे कि ये लड़ाई उनके लिए बीजेपी को हराने की है। ऐसे में सीटों को लेकर के कहीं मतभेद सामने नहीं आएंगे और अगर शांतिपूर्वक तरीके से ये गठबंधन होकर के सीटों पर मामला सुलझ जाता है तो बीजेपी को नुकसान होगा। अभिषेक जिक्र कर रहे हैं कि कांग्रेस को इसका हिस्सा नहीं बनाया जाएगा, लेकिन हमारे सूत्रों के जरिए यह भी जानकारी है कि कांग्रेस अगर यह तय करती है कि सभी सीटों पर चुनाव लड़े तो वो ज्यादातर अपर कास्ट कैंडिडेट को रखेगी और ऐसे में कोशिश यह होगी कि गठबंधन का हिस्सा न बनते
जीतते हुए भी कांग्रेस गठबंधन की मदद करे और जहां पर भी सवर्ण वोट बैंक है बीजेपी का वहां नुकसान पहुंचाए। तो कुल मिलाकर के 2014 में जो बीजेपी का चक्रव्यूह था यूपीए के खिलाफ कि जातीय पार्टियों को इकट्ठा करके महागठबंधन बने, अब वही फॉर्मूला बीजेपी के खिलाफ एक महागठबंधन का आकार ले रहा है। जाहिर है बीजेपी के लिए मुश्किलें बड़ी हैं आगे। श्वेता, अखिलेश ने जिस तरह की बातें कही है, अखिलेश यादव ने पहले भी, और अब खास करके अगर राहुल गांधी की बात करें तो हालिया जो उनका स्टेटमेंट रहा है उससे, लेकिन लगता नहीं है आशुतोष कि राहुल गांधी सीट को लेकर, सीट शेयरिंग को लेकर इतनी आसानी से मान जाएंगे, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि वो अकेले दम पर लड़ने को तैयार हैं और उसे कमतर उत्तर प्रदेश में कतई ना आका जाए। वो इसलिए भी श्वेता क्योंकि कांग्रेस के सामने अगली चुनौती भी खड़ी है कि अगर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का काडर ही नहीं रहेगा अगले चुनाव में लड़ना है तो गठबंधन के सहारे कब तक, क्योंकि ये गठबंधन भी सिर्फ 2019 का है। जाहिर है जब विधानसभा के चुनाव होंगे अलग अलग राज्यों में तो ये गठबंधन की पार्टियां ही एक दूसरे के खिलाफ लड़ेंगी, तो राहुल को उन चुनौतियों से भी लड़ना है कि पार्टी खड़ी हो उत्तर प्रदेश में दोबारा, और साथ ही साथ ये संदेश भी ना जाए कि गठबंधन के खिलाफ लड़के उन्होंने कहीं ना कहीं बीजेपी की मदद की है। तो बीजेपी को जहां वोट बैंक का नुकसान होता नजर आ रहा है, सीटों का नुकसान होता नजर आ रहा है, कांग्रेस की चुनौती यह है कि उसे संदेश देना है रीजनल पार्टियों के बीच, क्षेत्रीय पार्टियों के बीच, वो भी बीजेपी के खिलाफ खड़ी है, और साथ ही साथ अपने काडर को भी यह संदेश देना है कि वो लड़ रही है। अमेठी रायबरेली का जो फॉर्मूला सामने आ रहा है कि वहां दो सीटों पर सपा बसपा कैंडिडेट नहीं उतारेगी, हो सकता है इसका ऐलान कल भी हो या तस्वीरों में देखने को मिले कि कुछ और सीटें हैं जहां सपा और बसपा दोनों ही हैवी वेट कैंडिडेट ना उतारें ताकि कांग्रेस को सम्मानजनक सीटों का फायदा हो। श्वेता, बिल्कुल, अभिषेक और आशुतोष आप दोनों बने रहे हमारे साथ, यहां पर हम रुकेंगे। तो उत्तर प्रदेश की राजनीति से बड़ी खबर, कल समाजवादी पार्टी और बीएसपी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही है, बड़े ऐलान की बात कही जा रही है, दोनों पार्टी के गठबंधन की बात कही जा रही है, आरएलडी भी शामिल हो सकती है इस गठबंधन में, क्या कुछ होगा, सीट शेयरिंग कैसी होगी, ये तमाम बातें तो कल होगी और सामने आएगी, लेकिन इससे पहले इस गठबंधन को लेकर अखिलेश यादव क्या कुछ कहते रहे हैं, आइए आपको वो सुनाते हैं। जहां तक उत्तर प्रदेश का सवाल है, देश का सवाल है, लोग परिवर्तन चाहते हैं, किसान परिवर्तन चाहता है, नौजवान परिवर्तन चाहता है और व्यापारी परिवर्तन चाहता है। देश ने ऐसा वक्त देखा है जहां पर हर चीज रुक गई और जो वादे किए गए थे वो वादे नहीं पूरे हुए हैं, इसलिए देश परिवर्तन चाहता है। समाजवादी पार्टी तो वही गणित जो बीजेपी ने सबको सिखाया, बीजेपी ने कितने देश में गठबंधन किए, गिनती करें तो न जाने कितने गठबंधन मिलेंगे आपको हर प्रदेश में। तो उसी दिशा में अगर आपको अपना गणित ठीक करना है, शायद समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी मिलकर के अपना गणित ठीक कर रहे हैं। हमारे पास क्या है, हम गठबंधन कर सकते हैं, जनता के बीच जा सकते हैं, और जिन्हें रोकना है उनके पास क्या है, उनके पास सीबीआई है। ये तो अच्छी बात है क्योंकि कांग्रेस ने भी एक बार सीबीआई कराई थी, तब भी पूछताछ हुई थी। अगर बीजेपी ने कराया है और इतने वर्षों पुराना मामला आया है सामने, अगर पूछताछ करेंगे तो जवाब तो हमें देना ही पड़ेगा, जवाब तो हम देंगे ही, लेकिन देश की जनता तैयार है भारतीय जनता पार्टी को जवाब देने के लिए। ये तो अखिलेश यादव की बातें आपने सुनी, बीएसपी क्या कुछ कहते आई है इस गठबंधन को लेकर, आइए सुनते हैं। इसके बारे में आपको मालूम हो जाएगा, आपको मुलाकातें तो हुई थी, मुलाकात तो हुई, तभी तो आपने देखा सीबीआई पर से गठबंधन उनका हो गया, एक मुलाकात से तो सीबीआई गठबंधन हो गया। और नए वर्ष में अगर कोई बधाई देने आता है, मुलाकात होती है, तो उसका असर तो ये हो गया है, गठबंधन जब होगा तो उसके बाद तो ये लोग अपनी दुकान बंद करके चले जाएंगे, इसलिए इंतज़ार करिए। और जिस दिन गठबंधन होगा, कोई गठबंधन सामने आएगा, जिस प्रकार का भी गठबंधन होगा, वो सबसे पहले मीडिया में आएगा। सपा बसपा के गठबंधन में क्या समाजवादी पार्टी के साथ कांग्रेस पार्टी रहेगी या ऐसे भी बाहर? देखिए, कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा, ये राष्ट्रीय पार्टी के जो हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हमारी पार्टी के नेता हैं, और जो पार्टियां हैं उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो लोग हैं वो लोग स्वयं सामने रखेंगे, उसको हम लोग नहीं रख आपके सामने कुछ रख सकते। चलिए, यानी कि कुल मिलाकर कल 12 बजे का इंतजार करना पड़ेगा और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसके बाद तस्वीरें साफ होंगी। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।